Hello friends, once again welcome to my channel, the C programming by Madhuri Kumari. Friends, I hope so आप लोग ठीक होंगे. And जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करवाती हूँ. तो चलिए आज का जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है पिछले टाइम स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे के प्रोग्राम्स जो है मैंने करवाए थे. लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम लेके आई हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन. मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है. है तो दोनों सेम चीज़, मगर फिर भी उन दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस है. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इसको जो हम पीपीटी के थ्रू करेंगे एंड साथ में हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सो स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन, तो हम पहला डिफरेंस जानते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या बेसिक डिफरेंट है. सो फर्स्ट वी हैव, यू कैन यूज अ स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर. अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड. फॉर यूनियन वी यूज यूनियन कीवर्ड. नेक्स्ट वी हैव, स्ट्रक्चर इज द कंटेनर डिफाइंड इन सी टू स्टोर डेटा वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड ऑल्सो सपोर्ट्स फॉर द यूजर डिफाइंड वेरिएबल स्टोरेज. मीन्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम सी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं. मतलब अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं और जो कि जो है यूजर डिफाइन वेरिएबल होते हैं. बट इन यूनियन ऑन द अदर हैंड, यूनियन इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेनर इन सी विच कैन ऑल्सो होल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल अलॉन्ग विथ यूजर डिफाइन वेरिएबल्स. लेकिन यूनियन में भी क्या होता है कि वो बिल्कुल सिमिलर काइंड के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यूजर डिफाइन ही वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सिंटेक्स. अगर आप स्ट्रक्चर का सिंटेक्स देखें एंड यूनियन का सिंटेक्स देखें तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, मगर इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं. वो क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का जो है सिंटेक्स देखेंगे. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद जो स्ट्रक्चर का नेम एंड उसके अंदर जो है हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं. आफ्टर कर्ली ब्रेसेस वी डिफाइन वेरिएबल्स. बट ऑन द अदर हैंड इन यूनियन, व्हाट वी डू, वी यूज यूनियन कीवर्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड. आफ्टर दैट द नेम ऑफ यूनियन एंड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस वी राइट टाइप्स एलिमेंट वन, टाइप एलिमेंट टू, आफ्टर दैट वेरिएबल नेम, जैसे कि हम जो स्ट्रक्चर में करते थे. सो आई होप आपको सिंटेक्स में जो है डिफरेंस क्लियर होगा. नेक्स्ट वी हैव, स्ट्रक्चर इनेबल्स यू टू इनिशियलाइज सिवरल मेंबर एट वंस. मतलब स्ट्रक्चर में आप जो है बहुत सारे मेंबर्स को जो है एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड इन यूनियन, इट इनेबल्स यू टू इनिशियलाइज ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन. लेकिन यूनियन में क्या है, आप सिर्फ फर्स्ट मेंबर, यूनियन का जो फर्स्ट मेंबर है उसी को इनिशियलाइज कर सकते हैं. बट स्ट्रक्चर में जो है आप एक टाइम पे एक से ज्यादा जो है मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं और भी कुछ डिफरेंस है स्ट्रक्चर एंड यूनियन में. सो फर्स्ट वी हैव, द टोटल साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ द साइज ऑफ एवरी डेटा मेंबर. अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो साइज आता है हमारे पास डेटा का, उसमें जो होता है सम होते हैं. मतलब हमने जितने भी डेटा डिफाइन किए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उन सबके साइज का सम यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट आता है. लेकिन यूनियन में क्या होता है, द टोटल साइज ऑफ द यूनियन इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट डेटा मेंबर. मतलब यूनियन में क्या होता है कि जो आपका लार्जेस्ट डेटा मेंबर होता है उसी का साइज जो है डिफाइन हो जाता है. अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स को रेफर करेंगे तो वहां पे मैंने जो है इस तरीके का जो है प्रोग्राम भी आपको सिखाया है. इसको हम आगे भी सीखेंगे प्रोग्राम के थ्रू. सो नेक्स्ट वी हैव, इट इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग वेरियस डेटा टाइप्स. स्ट्रक्चर को जो है वेरियस डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. वेयर एज इन यूनियन, इट इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग वन ऑफ द मेनी डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल. लेकिन यूनियन में हम क्या करते हैं, एक तरह के ही हम बहुत सारे डेटा टाइप्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं. इट ऑक्यूपाइज स्पेस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर रिटन इन द इनर पैरामीटर्स. मतलब इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स के लिए जो है अलग से मेमोरी एलोकेट होती है और ऑक्यूपाई होता है स्पेस. और ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास स्पेस की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है मेमोरी की. इन यूनियन, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस फॉर अ मेंबर हैविंग द हाईएस्ट साइज रिटन इन द इनर पैरामीटर. लेकिन यूनियन में क्या होता है, वो मेंबर जिसकी साइज जो है सबसे हाईएस्ट होती है. सपोज अगर मैं कोई कैरेक्टर डिफाइन करती हूँ ऑफ लेंथ 20, इट मीन्स जो है टोटल साइज उसमें जो यूनियन का जो है
यूनियन में जो टोटल साइज ऑक्यूपाई होगा वो 20 होगा, अगर हमने जो है दूसरे फ्लोर डिफाइन किए हैं, फ्लोर टाइप ऑफ डेटा डिफाइन किए हैं, फिर भी इसको जो है हाईएस्ट मेमोरी ही एलोकेट होती है। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर में जो है हर एक एलिमेंट के लिए अलग से मेमोरी डिफाइन होती है। यू कैन रिट्रीव एनी मेम्बर एट अ टाइम, स्ट्रक्चर में जो है आप एक टाइम पे किसी भी मेंबर को जो है रिट्रीव कर सकते हैं, बट इन यूनियन यू कैन एक्सेस वन मेंबर एट अ टाइम इन द यूनियन, मतलब यूनियन में आप जो है एक टाइम पे एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बट इन स्ट्रक्चर आप जो है नंबर ऑफ मेंबर्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। सो नेक्स्ट वी हैव एवरी मेंबर विद इन स्ट्रक्चर इज असाइंड अ यूनिक मेमोरी लोकेशन। यस, ये बिल्कुल वही सेम वाला है कि हर एक एलिमेंट्स को जो है अलग अलग जो है मेमोरी डिफाइन होता है। इन यूनियन अ मेमोरी लोकेशन इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो लार्जेस्ट हमारे पास डेटा टाइप होता है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है और बाकी के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो वही मेमोरी जो है शेयर करते हैं। सपोज मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कैरेक्टर का, अगर मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया है ऑफ 20 लेंथ और अगर मैं दूसरा डेटा टाइप डिफाइन करती हूँ ऑफ फ्लोट टाइप, तो वो जो है वो 20 कैरेक्टर में से ही जो है मेमोरी जो है वो शेयर करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं कैरेक्टर डिफाइन करूँ, फ्लोट डिफाइन करूँ, इंटीजर डिफाइन करूँ, तो इसके लिए हर एक बार अलग अलग मेमोरी साइज एलोकेट होती है। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर डेटा मेंबर इन स्ट्रक्चर। यस, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आप किसी एक डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उससे कोई दूसरा जो है डेटा मेंबर अफेक्ट नहीं होता है। बट इन यूनियन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा मेंबर विल चेंज द वैल्यू ऑफ अदर डेटा मेंबर। अगर आप यूनियन में जो है किसी भी एक डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो दूसरे डेटा मेंबर्स को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, बिकॉज उनके साइज जो है शेयर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम के थ्रू जो है इनके डिफरेंस को हम जानेंगे। हेयर वी हैव प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर एंड हेयर वी हैव प्रोग्राम फॉर यूनियन। सो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं स्ट्रक्चर के लिए और यूनियन के लिए, तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, हेडर फाइल्स। सो इन बोथ दिस साइट्स वी हैव हैज इंक्लूड stdio.h विच इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। सेकेंड हमने एक और हेडर फाइल डिफाइन किया है string.h। उसके बाद ये सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है और यहाँ पे हमने यूनियन कीवर्ड डिफाइन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे यूनियन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं एंड यूनियन में यूनियन कीवर्ड। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों में जो है डेटा टाइप डिफाइन किए, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, और दोनों को जो है हमने मेमोरी जो है सेम एलोकेट किया। आफ्टर दैट हमने जो है दोनों में जो है मेन फंक्शन डिफाइन किया। उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्ट का जो है वेरिएबल है और यहाँ पे यूनियन का वेरिएबल है। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया दोनों में, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि ये जो प्रोग्राम है ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय द डेटा, मतलब यहाँ पे हमने जितने भी डेटा डिफाइन किए हैं वो टोटल कितना मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करेगा इन बोथ केसेस। और हमने रिटर्न जीरो करके जो है प्रोग्राम बंद कर दिया। अगर आप इसे रन करेंगे देन वी गेट आउटपुट दैट मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा इज 28 एंड यहाँ पे क्या है, मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा इज 20। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको 28 मिला और इसको 20 मिला, तो हम पीछे चल के देखते हैं। सी स्ट्रक्चर के लिए जो है हर बार अलग अलग जो है मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हमने कितनी लेंथ दे रखी है, 20। फ्लोट कितना ऑक्यूपाई करता है, 4। और इंटीजर कितना करता है, 2 या फिर 4। लेकिन मेरे कंडीशन में जो यहाँ पे 4 ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट्स व्हाई फॉर स्ट्रक्चर जो है साइज कितनी है, 28 है। एंड यहाँ पे क्या है, यूनियन के लिए हमारे पास लार्जेस्ट डेटा मेंबर को वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हमारे पास लार्जेस्ट कितना था, 20। और बाकी इंटीजर एंड फ्लोट क्या करेंगे, उसके साथ जो है सेम मेमोरी एलोकेशन को जो है शेयर करेंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, एंड ये जो PPT है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल पे जो है कमेंट करें।
Thank you so much. Have a good day.